अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि योग और निरोग एक दूसरे के पूरक हैं। योग करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अगर व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है तो उसे किसी भी वायरस के संक्रमण का खतरा कम होगा। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद एवं महायोगी गोरखनाथ योग संस्थान की ओर से योग पर आयोजित ऑनलाइन कार्यशाला में कही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि योग के मूल आचार्य भगवान शिव है, लेकिन मानव जगत के लिए योग दार्शनिक पक्ष महर्षि पतंजलि और व्यवहारिक या क्रियात्मक पक्ष महायोगी श्री गोरक्षनाथ की देन है। योग वह क्रियात्मक पक्ष है जो हर उम्र के व्यक्ति के लिए उपयोगी है। इसके जरिए वह शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करने के साथ आध्यात्मिक जगत के रहस्यों को भी समझ सकता है। आध्यात्मिक रहस्य को जानने के लिए शरीर और मन का स्वस्थ होना जरूरी है और यह योग द्वारा ही संभव है। हर किसी को अपनी दिनचर्या में योग को अनिवार्य रूप से शामिल करना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि योग मूलतः भारत की थाती है। प्रधानमंत्री ने इसे वैश्विक सम्मान दिलाकर सराहनीय कार्य किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना से घबराए नहीं, इस सदी का यह सबसे कमजोर है, बस इसके संक्रमण की गति तेज है। इस संक्रमण से ही खुद को बचाना होगा, खासकर बच्चे, बुजुर्ग एवं जिनको पहले से ही कोई रोग है, वे इस संक्रमण के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील हैं, लिहाजा उनको इसी अनुसार सावधानी भी बरतनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना के कारण वैश्विक स्तर पर सबके जीवन में बदलाव आया है। हमें बदलाव के इस दौर में तकनीक के महत्व को समझना होगा। जिन लोगों ने समय और तकनीक दोनों के महत्व को समझा, उन्होंने बेहतर नतीजे भी दिए। पूर्व के वर्षों में इस दौरान योग शिविर लगते थे। योग के व्यवहारिक और सैद्धांतिक पक्ष पर भी विशेषज्ञ चर्चा करते थे, पर बदले हालात पर ऐसा संभव नहीं है। यही डिजिटल प्लेटफॉर्म की प्रासंगिकता बढ़ जाती है।